मुल्क भर की तरह गोजरा में भी कायनात के वारिस रहमतुल आलमीन की विलादत व सआदत का दिन करीब आते ही आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलियों और बाजारों को बरकी कमकमों और झंडियों से सजाना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ग्रेट न्यूज अब्दुल शकूर से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गोजरा में भी कायनात के वारिस रहमतुल आलमीन सरवर कौनैन खातमुन्नबियीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत का दिन करीब आते ही आशिकान रसूल ने गलियों और बाज़ारों घरों को कुमकुमों और झंडियों से सजाना शुरू कर दिया है। अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानब से भी सरकारी बिल्डिंगों को भी कुमकुमों से सजा दिया गया है। अहम शाहराहों पर भी झंडियाँ लगाई गई हैं। फ्रांस में इस्लामिक फोबिया, सदर फ्रांस ने जो पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत मजरूह करने की कोशिश की, आलम इस्लाम में गम गुस्सा की लहर भी दौड़ गई है, जिस पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल वलादत व सआदत का दिन ज़्यादा जोश व जज्बे से मनाने का ऐलान कर दिया है। अवाम का कहना है, जिसके अंदर हमारे पास नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोसन इंसानियत है पूरी दुनिया के लिए एक रहबर हैं, उनकी वलादत व सआदत है जो कि इस जुमा मुबारक को हो रहा है, तो गली और बाजार सज गए हैं, तो हमें भी चाहिए कि इस्लामी तौर के ऊपर इसको इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, दुरूद शरीफ की बरकत के साथ इसको मनाया जाए और ऐसी हरकत ना की जाए जिसकी वजह से हमारे माशरे में हमारा इमेज गलत आए। और हम फ्रांस ने जो किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ खाके शाये किए हैं, उनके पर जोर मुजम्मत करते हैं और इसकी मुजम्मत करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपकी तालीमात अपने अंदर लाई जाएं। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुजर, ग्रेट न्यूज़, टोबा टेक सिंह।